तो अपना मुझे दोस्त एक सामान फिटिंग का सामान देना था मुझे। इसमें दो पंखे हैं। ठीक है सो वेलकम बैक माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो मैं सोच नादू के इधर रोड़ी हो गया हूँ दुकान जाने के लिए, और हमारा ये खाना आना बन के हो गया कंप्लीट। तो खाना खाते हैं सुबह सुबह और खा पी के चलते हैं सीधे दुकान पर। तो पहुँचते हैं, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी बाइक ले कर अपनी दुकान की तरफ काफ़ी स्पीड से। और हमारी आ गई मार्केट, ये मार्केट में कुछ टाइम पहुँचने वाले आ गई मार्केट। तो मार्केट में चलते हैं सीधे अपनी दुकान। तो अपनी दुकान पर आ गए और गेट खोल दिया है मैंने, और करते हैं इन्वर्टर ऑन। तो इन्वर्टर ऑन करते ही सारी लाइट वगैरह जल गई। तो हमारे यहाँ लगी हुई है सौर प्लेट लगी हुई है, तो लाइट वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। तो लाइट वगैरह हमारे यहाँ से चलती रहती है। दुकान वगैरह मैं निकाल देता हूँ बाहर दुकान निकालने के लिए। तो सामान सभी मैं निकाल रहा हूँ बाहर। इसमें इंसुलेटर वगैरह रखे हुए हैं, इंसुलेटर वगैरह निकाल दिए बाहर। प्यारा सा पंखा है, छोटा वाला मिनी फैन है जो कि डायरेक्ट चलता रहता है सौर प्लेट से। इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की एसी करंट की, ओनली डीसी करंट है इसमें, और डीसी करंट इसमें चलता रहता है हर समय। तो मैं अपनी दुकान को अपनी सुबह सुबह झाड़ता हूँ, साफ कर देता हूँ जहाँ जोड़ के एकदम। तो साफ़ करने के बाद तो मेरा माल गिर गया था, तो मैं माल लगाने आ गया। तो टंकी वगैरह मैं निकाल देता हूँ, टंकी एलिवेटर है टंकी पूलों की। तो टंकी वगैरह इस टाइम कम बिक रही है, तो पता नहीं कुछ ऐसा नई नई शॉप है इसलिए कुछ जुगाड़ वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसी सामान वगैरह मैंने टांग दिया, पिंजरे वगैरह ऊपर पिंजरे वगैरह लटके हुए पल्ली वगैरह है, तो सामान वगैरह मैं बाहर लगा देता हूँ। पल्ली वगैरह मैं लगा दी बाहर, और हमारे बगल में बैठे मकान मालिक कुर्सी डाल के, तो यही मुझे गपशप लड़ा रहे थे सुबह सुबह। तो ये भी अपने सुबह सुबह टाइम पास करने के लिए बैठ गए थे। तो पाइप वगैरह मैं यहाँ पे टांग देता हूँ, तो साइड में ऊपर वगैरह सब वो कील वगैरह लगाई हुई है लटकाने के लिए। तो कील वगैरह क्या है इसमें आराम से टांग दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इसमें क्या है छोटी बड़ी कील है, तो इसमें पाइप वाइप टांगने में दिक्कत होती है। तो बड़ी कील वगैरह मैंने लगा दी इसमें आगे की तरफ, तो उसमें क्या है उसमें आराम से टंग जाती है। दरमियान आगे वाले जो पाइप था उसमें बड़ी कील लगा दी थी, उसमें क्या छोटी वाली में टंग नहीं पाता अच्छी तरह से, तो मैंने बड़ी उसमें बड़ी लगा दी थी। तो बड़ी लगाने के बाद तो उसमें अच्छी तरह टंग जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी शॉप लगा लेता हूँ, और सभी सामान में अच्छी तरह सेट करके सफाई वफाई करके लगा देता हूँ। तो देखते रहिए इस ब्लॉग को। दोस्तों मालक के हो गए हमारे कंप्लीट, अब बैठे हैं देखो इंतजार कर रहा है ग्राहक का, कस्टमर का, कस्टमर वगैरह आ जाए कोई एक आध। दुकान वकान लगा के सारी कंप्लीट कर दी है मैंने कंप्लीट। तो ये लमसम हो गया एक घंटा हो गया है दुकान लगाए, पानी वगैरह तो हो गई है। खैर अब देखते हैं, वेट करते हैं एक आध कोई कस्टमर आ जाए कोई। उसमें 12-13 ये लाइट सीलिंग लाइट है जो लाल पीली लाइट होती हैं, बल्ब वगैरह थे, सामान वगैरह बहुत सारा दिया। ये मेरा खाने का सामान रखा हुआ है, टिफिन लगा के ले आता हूँ मैं दुकान पर ही खा लेता हूँ खाना वगैरह। तो मुझे ये सामान देना है, ये फैन सीट है, फैन सीट वगैरह देनी है, और उसको स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह सीट वगैरह बहुत सामान देना है उसको। तो इसमें लगा हुआ है मॉड्यूलर वाला लगा हुआ सामान दे देना ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला उसने पसंद किया था, चॉइस किया था, ब्लैक वाला देना है। ये वाइट वाला नीचे ऊपर ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाला सामान उसको देना है। उसने चॉइस किया तो मैंने उससे बोला था कौन सा लगा ब्लैक है वाइट, उसने वाला ब्लैक लगा देना। तो ब्लैक वाला सामान मैंने उसको दे दिया। तो शाम का कुछ इस तरह का भी हो गया है, शाम के टाइम सामने बल्ब वगैरह जले गए। ये वाला बल्ब मैंने वही वाइट लाइट रखी थी वही वाली लाइट थी, उधर मैंने ये नल वगैरह लगा दिया। शाम का इस तरह का व्यू है, इसमें कस्टमर को पता चलती रहती है कि यहाँ पर नल वगैरह मिल जाते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, तो देखते हैं कुछ ही देर में अभी दुकान में बढ़ाने वाला हूँ अपनी। अभी तो इस तरह का व्यू आ रहा है पीजी हब का, सामने पीजी हब है, तो पीजी हब के सामने ही मेरी शॉप है। दोस्तों मुझे शाम को जाना था कटिंग कराने के लिए, तो मैं अभी शॉप पे पहुँच गया हूँ कटिंग वाली शॉप पे। तो बाल वगैरह भी बड़े हो गए थे, सेविंग वगैरह सेट करानी थी। तो ये शॉप है सेविंग वाली सैलून, तो कराते हैं वहीं सेट और चलते हैं।